केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। केवी टेक्निक्स लाए आपके लिए लेटेस्ट व महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की जानकारी अगर सीधे प्राप्त करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए। साथियों, बिना समय गवाए जानकारी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंचायत सचिव करेंगे शिक्षकों की उपस्थिति चेक, आदेश जारी। ये बड़ी खबर भोपाल से लगी है, आइए देख लेते हैं क्या है खबर में। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। नीमच जिले की जनपद पंचायत मनासा के सीईओ ने एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया कि एसडीएम मनासा के निर्देश है कि ग्राम पंचायतों के सचिव स्कूलों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति चेक करेंगे। कर्मचारी संगठन इस आदेश पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि यदि आदेश वापस नहीं हुए तो कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। खबर आ रही है कि एसडीएम मनासा के निर्देश पर सीईओ मनासा ने पत्र जारी कर सचिव ग्राम पंचायतों को आदेश कर विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति की जानकारी के लिए अधिकृत किया। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा नीमच के अध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार, साथियों इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना न भूलें। तहसील शाखा मनासा के अध्यक्ष द्वे सुरेश नागदा व राकेश पाटीदार ने इस फरमान का कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि एसडीएम मनासा ने पदीय मर्यादा लांघने में तनिक भी संकोच नहीं किया है। वह तुगलक की फरमान जारी कर शिक्षकों की उपस्थिति पंचायत सचिवों के जिम्मे कर सीधे टकराव की स्थिति निर्मित की। इस संबंध में मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा नीमच द्वारा पत्र ईमेल कर श्रीमान अजय सिंह गंगवार कलेक्टर नीमच से निवेदन किया है कि तत्काल ये आदेश वापस लिया जाए, नहीं तो 26 अगस्त सोमवार को एसडीएम परिसर में शिक्षक द्वारा जंगी प्रदर्शन कर इस पत्र की होली जलाई जाएगी व आदेश वापस होने तक विरोध जारी रखा जाएगा। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो आदेश दिखाया जा रहा है कार्यालय जनपद पंचायत मनासा जिला नीमच मध्य प्रदेश का है और मनासा दिनांक 24/8/2019। विषय देख लेते हैं। दिनांक 24/8/2019 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय मनासा द्वारा बैठक में दिए गए निर्देश उपरोक्त विषय अंतर्गत दिनांक 24/8/2019 को आयोजित बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजेश महोदय मनासा द्वारा निर्देश दिए गए। नंबर एक, सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत के विद्यालयों में शिक्षक एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली जावे। नंबर दो, सचिवों द्वारा ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाइटों को बकाया बिलों का भुगतान किया जावे। अतः समस्त सचिवों को निर्देश किया जाता है कि ग्राम पंचायत के विद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमित चेक करें, यदि कोई समस्या हो तो कार्यालय को अवगत करावे एवं 3 दिवस में स्ट्रीट लाइटों को बिलों का भुगतान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनासा और मनासा दिनांक 24/8/2019। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।